बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास 10 इज़ योर इंग्लिश लेक्चर नंबर 3। द डेट इज़ 12th May एंड द डे इज़ वेंसडे। लेट्स स्टार्ट लेक्चर ऑफ द डे। यस क्लास 10, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 5 और 6 की ट्रांसलेशन करेंगे। आपको इसे लर्न करना है, साथ में इसका होमवर्क करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आप कंप्लीट, लर्न प्लस होमवर्क। और ऐसे आपने आज के लेक्चर में करना है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसको बेटे अच्छे से लर्न करके लिखिएगा। ये दोनों काम आपने स्कूल में सबमिट करवाने हैं सैटरडे में, ठीक है। आइए ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड द पैराग्राफ नंबर 5 इस ट्रांसलेशन स्टार्ट्स विद द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नाउन फॉर हिज जस्टिस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इतने मशहूर थे that even the Jews over his bitter enemies, हत्ता के यहूदी जो कि आप सल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, brought their swords to him, वो भी अपने मसाइल आप सल्लम के पास लेकर आते हैं। एंड ही डिसाइडेड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद द Jewish law, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मसाइल के फैसले यहूदी कानून के मुताबिक करते, इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म की बड़ी सख्ती से पैरवी की। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इफ़ दे कम टू यू, दे पीपल की तरफ इशारा है या फिर जो नॉन मुस्लिम है उनकी तरफ, इफ़ दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारी तरफ आएँ, इधर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान में फ़ैसला कर दो, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर या मुदाखलत से इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, और अगर आप इनकार कर दें, दे के नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो तुम्हें ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इफ़ यू जज, और अगर आप फैसला कर दें, जज इन इक्विटी, इंसाफ के साथ फैसला कर दें, बिटवीन दैम, उनके दरमियान में अगर आप इंसाफ से फैसला कर दें, फॉर अल्लाह लव्स दोज, तो अल्लाह उन्हें मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, हु जज इन इक्विटी, जो कि इंसाफ से फैसला करते हैं। पैराग्राफ नंबर स्टार्ट्स नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6, जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ का तकाजा ये है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, कि इनको तमाम हालात में, यानी हालात जैसे भी हों, इंसाफ को कायम किया जाए। इवन इफ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, अगरचे ये आपके अपने खिलाफ ही क्यों ना जाए, और वंस फैमिली, या आपके ख़ानदान के खिलाफ, और रिलेशंस, या आपके रिश्तेदारों के खिलाफ ही वो फैसला क्यों ना जाए, उसको इंसाफ से करें। ऑल ऑफ हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर्स विद जस्टिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मसाइल के फ़ैसले इंसाफ के साथ किए। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और लोगों से भी मुनसिफ रहने के लिए फरमाया। इट इज़ रिपोर्टेड, बयान किया जाता है, यह रवायत है, बाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, दैट अल्लाह रसूल सेड टू हिम, कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें उनसे फरमाया, वन टू मैन कम टू यू, अगर दो लोग तुम्हारी तरफ आएँ फॉर जजमेंट, फैसले के लिए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, तो किसी एक के हक़ में फ़ैसला मत करो, विदाउट हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, किसी दूसरे के दलाइल सुने बगैर फ़ैसला मत करो। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, इस बात के बहुत इम्कानात हैं, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम हकीकत जान जाओगे। यानी अगर आप दोनों तरफ के फैसला करने के लिए दोनों तरफ की पार्टीज़ की बात सुनें, तो आप सच्चाई तक पहुँच जाते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने आप सल्लम को ये कहते हुए सुना, एनी रूलर और जज हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, कोई भी हुक्मरान या जज